Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. सबसे पहले तो मैं सानिया निश्तर आपको और आपके एहसास की टीम सेक्रेटरी यूसुफ खान आप सबको मैं खराज तहसीन आज पेश करता हूँ, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की इस वक्त आपको एक एजाज़ दिया गया कि दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया, ये कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया उस मुतासिर तबके को, जिस तरह हमें पता है कि कोरोना के अंदर जो सबसे लोग मुतासिर हुए वो चाहे अमीर मुल्क थे चाहे गरीब मुल्क थे, जो गरीब थे अमीर और गरीब मुल्कों में वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। दुनिया में जो गुर्बत है वो इस एक साल के अंदर मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के से नीचे चले गए। ये जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन का मतलब ये जब इकॉनमीज़ बंद की गई तो जो तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, दिहाड़ीदार थे, जो हर रोज़ पैसा कमाते थे तो बच्चों को खिलाते थे अपने ख़ानदान को, या जो हफ्ते की कमाई करके बच्चों को खिलाते थे, तो जब इकॉनमी बंद हुई, जब मुल्क बंद किए गए लॉकडाउन में, तो इनको ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और दुनिया में सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी। तो इस वक्त जो जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेज़ी से और शफाफियत से ये मुतासर तबके की मदद की, उसमें वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। तो मैं आज आपको फिर से इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अगर वो जिस तेज़ी से आप प्रोग्राम ना करते एहसास का, तो आज और भी बहुत बड़ी मुश्किलात हमारे कमज़ोर तबके को गुजारनी पड़नी थी। वैसे भी 25% हमारी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो इसकी वजह से जो हमने जल्दी और आपने जो और फिर शफाफियत से, क्योंकि वो बड़ा किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे या फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो, ये किसी की तरफ से कंप्लेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन तरीके से सब मुस्तहक लोगों को इमदाद की गई। अब ये जो आज आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी दो वजह से अहमियत है। एक तो दुनिया में ये एक चीज़ साबित हो गई कि जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोग आते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे जैसे वो रजिस्टर होते हैं उस मुल्क में गुर्बत कम होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका जो पहलू वो ये है कि जब ख्वातीन की मदद की जाती है, जब उनको आप रोज़गार देते हैं या उनको जो इसका जो लफ्ज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको भी आप लेके आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, तो वो उससे सबसे तेज़ी से गुर्बत कम होती है। और ये इसकी जो सानिया ने बताया भी कि और मुल्कों के अंदर भी, नाइजर में और कीनिया में और बांग्लादेश में, ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि जब इनकी मदद करें आप, ख्वातीन को मेन स्ट्रीम में लेके आएं, उनको ये जो आज मोबाइल वॉलेट यानी उनको भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आएं, तो वो फिर उनको अब कंट्रोल आ जाता है अपनी ज़िंदगी पे, वो पैसे बचा सकती हैं, वो फिर और बिजनेसेस शुरू कर सकती हैं। और जो हम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनकी डायरेक्ट इमदाद करते हैं तो उसको वो फिर बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये जो आज आपने लॉन्च किया, इंशाल्लाह जिस तरह बाकी आपके प्रोग्राम्स माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, जो बड़ी देर प्लानिंग, 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो ज़मीन पर वो इम्प्लीमेंटेशन पर प्रोग्राम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है ये
फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाल्लाह इसका भी ये भी कामयाब होगा। मैं क्वीन मैक्सिमा का नॉर्वेजियन एम्बेसडर, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ख़ास पाकिस्तान आई और उन्होंने इस चीज़ में हमारी मदद भी की और इसको प्रमोट भी किया, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो अपनी वो तबका जो पीछे रह गया है, जो कमज़ोर तबका है, जब तक वो उनको नज़रअंदाज करता रहता है वो ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का, वो कभी भी मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सकता। और हमारा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में साबित करके दिखाया था कि पहली दफ़ा दुनिया में एक रियासत ने ज़िम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की, एक फलाई रियासत बनाई थी, और वो दुनिया इस चीज़ की शाहिद है, विटनेस है कि इतनी तेज़ी से कभी कोई कौम दुनिया की तारीख में ऊपर नहीं आई। और वो कौम ने फिर दुनिया की इमामत की कई सदियों के लिए, और उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो मदीना की रियासत में रखी गई थी, एक फलाही रियासत बनाई थी जिसमें एहसास था, जिसमें रहम था, कंपैशन था, जिसने हर बेवाओं, मज़ूरों को, यतीमों को, गरीबों को उसने अपना बनाया था। और तब और वो हमारे लिए हमेशा हम कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी ज़िंदगी से सीखो, तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए मिसाल है कि कोई भी कौम उस मॉडल पे जब चलती है वो कौम ऊपर आ जाती है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। और जो दूसरी साथ साथ उसके कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, कानून के सामने सब एक बराबर, ये दो प्रिंसिपल्स रखे गए थे उस रियासत में। और आज अगर आप दुनिया में देखें तो जो कौम ऊपर गई है वो उन दो प्रिंसिपल्स पे ऊपर गई है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई एक नेशन है, एक कौम है जो कि लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी, तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम करने की। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला था 30 सालों के अंदर, 35 सालों में। तो जब गुर्बत कम हुई वो कौम भी ऊपर चली गई। तो हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है कि हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। और उससे रेलेवेंट है ये जो आज मोबाइल वॉलेट और ये जो हमने एहसास बचत अकाउंट ख्वातीन के लिए किया है, इसका मकसद ही ये है कि हमारे जो ख्वातीन हैं और वो कई दफ़ा पीछे रह जाती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उनकी मदद की जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो मैं फिर से आपको सारे मुबारक देता हूँ इस नए इनिशिएटिव के लिए। शुक्रिया।